हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी मिनी सेशन में। आप सबको पता है कि एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा और उसमें हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले IST होती क्या है। IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय रेखा। अगर पूछेगा कितने डिग्री पे होता है तो 82.5 डिग्री ये होती है अपने भारत की मानक रेखा। और ये कितने राज्यों से होकर के जाती है इसको हम लोग देखेंगे। और जो लोग ऐसे याद करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ है कि 5 स्टेट ऐसे हैं जिनसे भारतीय मानक समय रेखा होकर जाती है। अगर आपको ट्रिक नहीं पसंद तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है, पांचवा आंध्र प्रदेश है। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे भारतीय मानक समय रेखा होकर के जाती है। एक बार आप चीज़ों को फिर से रिवाइज करेंगे, इससे पहले मैंने आपको कर्क रेखा बताई थी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जितने भी राज्य थे। और चलिए अगर ऐसे आपको नहीं याद हो रहा है तो हम आपको बताते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। अब देखते हैं इस ट्रिक का मतलब क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी से क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी में माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छतरी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, उड़ी से क्या हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंधी से क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, इसको सेंटेंस पूरा करने के लिए रख दिया गया है। तो आई होप ये ट्रिक आपको क्लियर हुई होगी कि यूपी में छतरी उड़ी आंधी से आप याद कर सकते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा पर कितने सारे राज्य हैं। तो ये था आज का मिनी सेशन GK GS का डोज। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप ऐसा ही मिनी सेशन चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।